प्रिय भक्तों, जय श्री राम। अब हम सुनाने जा रहे हैं रामायण से बहुत ही सुंदर सा पाठ। जे श्रद्धा संबल रहते नहीं संतन कर सात, तिनको मानस गमति जिनहिं न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राय खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको श्री रघुनाथ जी के प्रिय नहीं है, उनके लिए मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको पा नहीं सकता। जो करी कष्ट जाई पुनि कोई, जातई नींद जुड़ाई होई, जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गेहूं न मच्छन पाव अभागा। जो कोई यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता है। कर न जाई सर सज्जन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना। जो बहोरी को पूछनावा, सरनंदा करिता ही बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वे अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहाँ का हाल पूछने आता है तो वे अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विघ्न व्यापा ही नहीं ते, राम सुर कपा बिलो कहीं जे ही। सोई सादर सर मज्जन करही, महा घोर त्रैताप न चरही। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते। जैसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, वही आदरपूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और मान भयानक त्रिताप से, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापों से नहीं जलता है। ते नर यह सर तजई नकाऊ, जिनके राम चरण भल बाऊ। जो नहाई एहि सर भाई, सो सत्संग करो मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते हैं। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे, वे मन लगा करके सत्संग करें। असमानस मानस चख जाही, भई कभी बुद्धि विमल औकाही। भयउ हृदय आनंद उछाऊ, उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रभाऊ। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुबह की कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उसमें वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपी नई नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोक मत और वेद मत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तरण तरुमूल निकंदिनी। ये सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलियुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनको और वृक्षों को जड़ से उखाड़ने वाली है, उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविध समाज पूर्व ग्राम नगर धोकोल, संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज इस नदी के दोनों किनारों पर बसे पूर्वे गांव और नगर हैं और संतों की सभाई सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अविध्या जी है। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम।